आउज़बल हमशैतवानरजीम बसमिल्लर आर टी ए स्टूडेंट्स अल्लाम आईकुम बायोलोजी चैलेंजिंग एम सी क्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िमत है तो आइए आज का एम सी क्यूज़ सेशन शुरू करते हैं हमारा आज का जो पहला एम सी क्यूज़ है वो है नंबर ऑफ फ्लोटिंग रेप्स इन ह्यूमन आर In insan floating ribs ki Kitnihe. dear students, there are total 12 pairs of ribs in human beings. And this two pair of ribs, which are not connected to the sternum, are called floating ribs. The, the correct option for uh, first MCQs is uh, two pairs, option number one. ऑप्शन ए इज करेक्ट नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिप्स इन ह्यूमन बींग्स आर टू पीयर्स देयर आर टू पीयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिप्स इन ह्यूमन बींग्स इंसान में दो जोड़े फ्लोटिंग रिप्स की होती है फ्लोटिंग रिप्स वो होती है जो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ जॉइंट फाउंड एंड रेस्ट यानी कलाई में पाए जाने वाला रेस्ट में पाए जाने वाला जो जाइंट है वो क्या कहलाता है इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाइवेट जॉइंट जॉइंट पाउंड एंड रेस्ट कॉल्ड पाइवेट जॉइंट नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल आ, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं एंकल जॉइंट है एल्बो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट है या थंब जॉइंट है तो डियर स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी शोल्डर जॉइंट इस ये बॉडी सॉकेट जॉइट की एक एग्जांपल है नेक्स्ट हमारे पास सेवनटीन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पिक्टोर गर्ड नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी हड्डी है जो कि पेक्टोरल गर्डल में मौजूद है ऑप्शन ए स्ट्रोनम है ऑप्शन बी कलेविकल है ऑप्शन सी पेल्विक है और ऑप्शन डी हाइड बोन है तो डियर स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज सी क्यूज एज ऑप्शन बी कलेविकल जिसको हम कलर बोन बी कहते हैं कलेविकल ये पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद पेन इन द लोअर बैक यानी कौन सी वो वर्टिबरी है जो कि लोअर बैन लोअर बैक पेन से रिलेटेड है तो डी स्टूडेंट्स इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन है लम्बर वर्टिबरीज जो कि लोअर बैक में पाई जाती है लंबर वर्टिब्रीज करेक्ट ऑप्शन एज डी फॉर एटीन नंबर एम सी क्यूज फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ एक्ल स्केटन नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से तीन ऑप्शन एग्जियल स्केटन के हिस्से है एक ऑप्शन uh, ऐसा है जो कि एग्जियल स्केरेटन का हिस्सा नहीं है तो डिया स्टर्नम एक्ज स्केलेटन का हिस्सा है वेबल कॉलम भी एक्जियल स्केलेटन है स्कल भी एक्ज स्केलेटन है जो कि बॉडी मेन एक्सेस को बनाते हैं ये स्केपुला जो है ये एग्जील स्केलेटन से आउट है ये सही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ दिए गए है कि विच आर द फॉलो एज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्जियल स्केलेटन तो स्केपोला एक्जील स्केलेटन का हिस्सा नहीं है ये अपेंडिकुलर uh, uh, में आता है फोर लेम्स में ट्वेंटी नंबर एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक जॉइंट ऐसा है जो कि वन डायरेक्शन में मूव करता है तो करेक्ट ऑप्शन है हेंज जॉइंट ये वन uh, डायरेक्शन में मूव करता है नेक्स्ट हमारे पास है नी कैप इज टेक्निकली कॉल्ड एज यानी जो मेडिकल ट्रम है या जोलोजिकल ट्रम है उसमें नी कैप को क्या कहा जाता है द करेक्ट ऑप्शन पर दिस एम सी क्यूज एज ऑप्शन ए पिटला इज कॉल्ड नी कैप नेक्स्ट हमारे पास है विच विच बोन इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन एन ह्यूमन बॉडी एक ऐसा बोन है जो कि किसी दूसरे बोन के साथ अटैच नहीं है नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी हाइड बाईस नंबर इम सिक्यूज है ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ बोन मेट्रिक इज इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग आल बट यानी बोन मेट्रिक तमाम काम करते हैं नीचे दिए गए काम में से लेकिन एक काम नहीं करता और चार ऑप्शन दिए गए हैं करेक्ट ऑप्शन है ये फ्लेक्सिबिलिटी से इसका कोई ताल्लक़ नहीं है बाकी काम इसके है मतलब स्ट्रेंथ भी देता है हार्डनेस भी देता है और रजिस्ट टू स्ट्रेच ये भी करता है और सही ऑप्शन है फ्लैक्सीबिलिटी एम नंबर ट्वेंटी फोर है एनस्क्रेडन मसल कैल्शियम पीसीटेड कॉन्ट्रेक्शन बाय बाइंडिंग टू तो ये इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए और इसका जो सही आंसर है ये ट्रोपोनिन है इस साल 2021 हजार सेकेंडरी बायोलॉजी के पेपर में ये एमसीक्यूज आए आया था कि मसल कैल्शियम इस रिलेटेड बाय एडिंग टू तो ये ट्रोपोनिन है नेक्स्ट हमारे पास है द फंक्शन ऑफ द टी टीब्यूज इन मसल कॉन्ट्रेक्शन एस टू यानी जो टी टी व्यूल से आ, मसल में वो क्या करता है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट मेक द एक्शन पोटेंशियल डीप द टू सेल्स ऑप्शन सी इज करेक्ट एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी सिक्स हमारे पास है मसल्स यूटिलाइज फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ऑल सब्सटांसिस विद इन तो करेक्ट ऑप्शन फॉर स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल वो होते हैं जिससे मतलब के मैदा अंतड़िया वगैरह ये जो इंटरनल पार्ट ऑफ दॉडी है जितनी भी है आ, आ, दिल की सेवा दिल कार्डिय मसल से बना हुआ होता है जबकि बाकी जो है वह स्मूथ मसल्स है नेक्स्ट हमारे पास है इस्माल बैंड अपाइट एंड फाइबरस इलास्टिक टिश्यू एज ग्रुप्ड एज मतलब यह के कौन सा स्माल बैंड डेंस वाइट एंड फाइबरस इलास्टिक टिश्यू से बना है तो डिस्टोन द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एम सी क्यूज एज लेगामेंट ऑप्शन एज करेक्ट पॉर एम सीज नंबर ट्वेंटी सेवन और जो आज का आखिरी एम सी क्यूज है ट्वेंटी एट नंबर इन दिएटेड मसल्स दूनट ऑफ कॉन्टेक्टाइल सिस्टम एस तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सॉर्कोमियर ऑप्शन सी एस करेक्ट फॉर दिस एम तो अज़ीज़ दोस्तों और साथ ही हो ये था हमारा आज का एम सेशन जो कि आप लोगों ने मुलाजा किया उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया वसलाम